Hey, hi, what's up? मैं नाम अरसलान है और मैं वापस आ गया अपने कंप्यूटर बेसिक एजुकेशन की सीरीज़ के साथ। जैसे कि अगर हम इस सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग ने बहुत बेसिक चीज़ें सीखी कंप्यूटर की, जैसे कि आप कंप्यूटर के नेविगेट कैसे कर सकते हैं और IRCTC से बुक टिकट कैसे करवा सकते हैं और छोटी छोटी और अच्छी अच्छी चीज़ें। सो आज मैंने सोचा कि मैं आपको सिखाऊं कि आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि मैं अपने घर गया था तो मुझे अपनी मम्मी को सिखाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो मैंने कहा कि चलिए सबको ही बताते हैं अपने ट्यूटोरियल से। सो अगर आपको अपने सिस्टम में पासवर्ड लगाना होगा तो सबसे पहले आप ऐसा करेंगे, आपके जो टास्क बार है, मैं अपने टास्क बार को हमेशा ऊपर ही रखता हूँ, जो आपके ये टास्क बार है आप अपने टास्क बार में जाइएगा, स्टार्ट में जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो आइकन आपको दिख रहा है, ये चीज़ एप्लीकेबल होगी विंडोज 7 के लिए। ओके, सो आपको यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए एक बार। सो आपको यहाँ पे ये एक ऑप्शन खोल के देगा जिसमें आपको बताएगा कि आपके कंप्यूटर का नाम क्या है। तो मेरे कंप्यूटर का नाम मेरी मम्मी के नाम पर फौजी जाफरी एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे जिसमें है क्रिएट अ पासवर्ड फॉर योर अकाउंट, चेंज योर पिक्चर, चेंज योर अकाउंट नेम, चेंज योर अकाउंट टाइप, ये वो फ्रांडमा का। सो हमको सिर्फ इसमें पासवर्ड लगाना है। और अगर आपको नहीं पता कि कंप्यूटर में हम पासवर्ड लगाएंगे क्यों, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको ऑफिस का कंप्यूटर है या आपका घर का कंप्यूटर है जिस पर आप काम करते हो और आप नहीं चाहते कि जैसे आपके किड्स होंगे या फिर आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर आप शेयर कर रहे हो कंप्यूटर, तो आप नहीं चाहते कि जैसे आपके बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो आएँ और वो कंप्यूटर पर आते हैं स्कूल से आके बैठ जाएँ और कंप्यूटर पर गेम्स खेलने लगें, तो आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हो कि रिस्ट्रिक्ट करो उनको, एक या दो घंटा ही गेम खेलने दो, वो अपने आप अपनी मर्जी से कंप्यूटर ना खोल सकें। सो आप इसके लिए ये कर सकते हो। या तो फिर अगर आप स्टूडेंट हो और आपका फॉर एग्जांपल लैपटॉप है जो आपके कई फ्रेंड्स शेयर करते हैं, तो आप नहीं चाहते कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके पास जाए, तो आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा सकते हो, तो वो आपकी बिना मर्जी के वो आपका कंप्यूटर नहीं छू पाएंगे। उसके बाद या फिर आप ऑफिस में हो तो आप ऑफिस में अपना कुछ पर्सनलाइज डेटा रखे हो या फिर आप बहुत मतलब कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रखी हैं उसके अंदर, तो आप नहीं चाहते कि कोई और छूए, तो आप पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली पासवर्ड का ये काम होता है। तो हम लोग लगाएंगे कैसे, हम लोग यहाँ पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट अ पासवर्ड फॉर योर अकाउंट, बस यहाँ पर आइए। सिंपल, अभी मेरे कंप्यूटर में कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ है तो मेरे को पूछ रहा है कि आप पासवर्ड क्रिएट कीजिए, तो मैं पासवर्ड अपना डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। और बेहतर ये रहेगा कि अगर आप नंबर्स के साथ, जो नंबर होते हैं हमारे उनके साथ, अगर कोई अल्फ़ाबेट डालें या फिर स्पेशल कैरेक्टर जैसे @#, और परसेंटेज साइन होता है तो वो डालें तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के साथ 8 डाल दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद फिर ये कह रहा है कंफर्म कीजिए अपना पासवर्ड कि आपने सही डाला, पता चला आप कहीं भूल तो नहीं गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर से 1। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे आप हिंट डालिए। हिंट का मतलब होता है कि जैसे कि आपको इशारा, फॉर एग्जांपल जैसे आप छुट्टियों पे गए या फिर आप कंप्यूटर काफ़ी दिन के लिए बंद करके चले गए और आप वापस आए तो आपको पासवर्ड ही नहीं ध्यान आ रहा है कि आपने अपना पासवर्ड क्या डाला है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी कंप्यूटर में कि आप उसको खोलोगे कैसे। सो बेहतर ये रहता है कि आप अपना पासवर्ड कहीं लिख के रख लो स्पेशल किसी जगह पर, वरना अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप यहाँ पर हिंट डाल सकते हो। तो मैं डाल देता हूँ, मैंने नंबर्स डाले हैं NUMBERS, मैंने ऐसे करके नंबर्स लिख दूँगा। अब मैं बस यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड क्लिक करूँगा। पासवर्ड टाइप डज नॉट मैच, वो कह रहा है कि मेरा पासवर्ड डज नॉट मैच कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसीलिए दो बार पासवर्ड डालने को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8। ओके, अब मैं क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक कर दूंगा। सो मेरा पासवर्ड क्रिएट हो गया। अब वो कह रहा है कि पहले दिखा रहा था फौजी जाफरी एडमिनिस्ट्रेटर दिखा रहा था, अब दिखा रहा है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ओके, सो अब ये मेरा सिस्टम पासवर्ड से प्रोटेक्ट हो गया है। अब अगर मुझे पासवर्ड, मैं इसको बंद कर दूंगा, मुझे चेक करना है कि मेरा पासवर्ड, मतलब मैं कैसे देखूं कि मेरा सिस्टम प्रोटेक्ट हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट में आऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, शट डाउन देख लेना, शट डाउन के बराबर में एक छोटा सा एरो बना हुआ है। आप जब एरो पर अपना माउस हवर करेंगे सो आपको यहाँ पर आ जाएगा स्विच यूज़र लॉग ऑफ लॉक रिस्टार्ट या स्लीप। अगर मैं यहाँ पर लॉक का बटन दबा देता हूँ तो बहुत मुमकिन है कि मेरा ट्यूटोरियल जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लॉक का बटन नहीं दबाऊँगा, फिर भी मैं आपको कितने बता देता हूँ क्या होगा। जब आप ये वाला बटन लॉक का दबा देंगे ऊपर से, ये वाला बटन तीसरा बटन विंडोज 7 में, तो आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा। तो जो आपने अपना पासवर्ड डाला है वो आपकी स्क्रीन आई है वहाँ पे, उस स्क्रीन में वही अपना पासवर्ड टाइप कर दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा, या फिर एक एरो टाइप का बटन आता है, बस एक वही बटन होगा, तो आप उसको दबा दीजिएगा तो आपका कंप्यूटर वापस रिस्टोर हो जाएगा जहाँ से भी आप छोड़ के गए होंगे। और इसके साथ मैं आपको एडिशनल बता दूँ, लॉग ऑफ होता है, जैसे कि आप अपना कंप्यूटर मतलब लॉग ऑफ करके जा रहे हैं तो आपका जो भी डेटा होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा, उसकी वजह से आपने ब्राउज़र पर कोई विंडोज़ खोल रखे हैं तो वो सब बंद हो जाएंगे।
बेहतर ये रहता है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए कहीं जा रहे हैं तो आप अपना कंप्यूटर को लॉक कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो फिर से मेरा नाम अरसलान है और आप मेरी बाकी सीरीज़ भी देखिए, आपको कंप्यूटर के लिए काफ़ी मालूम होगी और मैं आगे ट्यूटोरियल्स भी बना के रिकॉर्ड करता रहूँगा, तो आप वो भी देखिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।